हेलो एवरीवन स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में सबसे पहले जो लोग प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने जो हमारा कल मॉक टेस्ट हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किया, किया है इट वाज एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस एंड नेक्स्ट फ्री मॉक टेस्ट हम जल्द ही कंडक्ट करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिन्होंने भी वो मॉक टेस्ट अटेंड किया है डू अटेंड द जूम सेशन ऑल्सो इन विच वी विल बी डिस्कसिंग कि आपको कैसे अपना असेसमेंट करना है टेस्ट का परफॉर्मेंस करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या सही तरीका है उसे करने का राइट सो दैट वॉज दी होल आइडिया एंड डू अटेंड द दैट जूम सेशन विद द फैकल्टी टुडे एंड ऑल्सो जैसे आप सबको पता है कि हमारा डिस्काउंट चल रहा है क्रिसमस का सो टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ दैट तो अगर आप किसी भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं जीएस ऑप्शनल सी सैट का कोई भी कोर्स आप में इनरोल करना चाहते हैं तो यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट आप मेरी यू पी एस सी कोर्ट लगा सकते हैं एंड यू विल गेट फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ आर कोर्सेज राइट फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर वन एट डबल ज़ीरो एट नाइन जीरो थ्री जीरो फोर थ्री पे कॉल भी कर सकते हैं उसके बाद फॉर ऑल योर प्रबलिम्स रिलेटेड नीड्स यू कैन एक्चुअली जॉइन आर टेलीग्राम चैनल विच इज़ डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर प्रलिम्स प्रेपरेशन लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना कमिंग टू द टॉपिक फॉर टूडे नाव द टॉपिक इज डियर वर्सेज एंटिलोप नाओ बहुत कन्फ्यूजन रहता है अब देखिए अगर आप एक यू पी एस सी एस्परेंट हो या अगर आप स्टेट का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उतनी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी देखिए डियर और एंटीलोप देखने में सिमिलर है राइट right? सुनने में भी सिमिलर है लेकिन अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें बोथ ऑफ देम आर मैमल्स ठीक है बोथ ऑफ देम आर मैमल्स बोथ ऑफ देम आर रिमिनेंट्स राइट और रिमिनेंट्स की हमने एक और खासियत पड़ी है कि वो बहुत ज़्यादा मीथेन भी रिलीज करते हैं एंड दूसरी चीज़ ये है दीज आर इवन टेट्स अंगुलेट्स. अंगुलेट्स। होते हैं जिनके हुफ होते हैं है ना होफ्स आपने सुना होगा अब ये जो होते हैं ना ये आपने हॉर्स के हूव देखे होंगे या आपने कैटल के हूव देखे होंगे अब ये हूवस इवन टोड हो सकते हैं मतलब दो या चार हो सकते हैं या और टोड हो सकते हैं मतलब एक एनिमल का जो हुफ है हुफ इज बेसिकली द यू कैन से द टो ठीक है जो टो होता है जैसे हमारे ह्यूमन्स में भी वी हैव टोज एंड ऑल ऑफ दैट जो टॉप पार्ट होता है या जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है एनिमल्स का एनिमल्स uh, के टोर्स का उनको हुफ्स कहा जाता है अब जो हुफ है वो इवन भी हो सकता है ऑट भी हो सकता है इवन का मतलब है दो होंगे एक एनिमल के टोस या चार होंगे ऑट का मतलब है वन और थ्री ऑर्ड नंबर एंड ईवन नंबर और ऐसा माना जाता है अगर आप रिसर्च भी पढ़ो कि जो इवन टोर्ड अंगुलट्स हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं मतलब दे आर विनिंग एट द रेज ऑफ एवोल्यूशन राइट तो डियर और एंटील ऑफ दोनों ही इवन टोर्ड हैं और दोनों ही रिमिनेंट हैं ठीक uh, है बट दे बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज ऑफ एनिमल किंगडम ऑफ मैमल्स वन बिलोंग्स टू बोविडी ठीक है एंटीलोप्स जो हैं वो बोविडी को बिलोंग करते हैं ए बी से आप याद कर सकते हो एंटीलोप्स बोविडी जिसमें शीप गोट कैटल भी आ जाते हैं और जो डियर है वो सर्वीटे को बिलोंग करते हैं अब अगर हम इनमें डिफरेंसेस की बात करें ना तो डिफरेंसेस देखो दोनों के एंटलर्स होते हैं राइट मेल्स में दोनों के एंटलर्स होते हैं फीमेल्स में स्टप्स होते हैं छोटे छोटे तो जो मेल डेयर है ना उनके जो एंडलर्स हैं मतलब उनके जो हैं इनको हम एंडलर्स कह देते हैं डेयर और एंटीलोप के केस में जो डेयर मेल डेयर के एंडलर्स होते हैं ना वो हर साल शेड करते हैं दे शेड देम एवरी ईयर वो उन्हें झाड़ झड़ जाते हैं वो उनके और देन दे ग्रो एवरी ईयर दिस हैपन्स और कई कई केसेस में जो हमारे पास डेयर और एंटीलोप हैं बोथ ऑफ देम ईट प्लांट वेस्ड डाइट बोर्ड ऑफ आर हर्बी बोर्स हमने बताया भी ना रूम हैं तो अब कई कई केसेस में ना ये जो डियर्स हैं अपने एंटलर्स खुद भी खा लेते हैं जब शॉर्टेज ऑफ फूड होता है या ऐसा कुछ सिचुएशन है तो दे कैन इवन फीड ऑन देयर ओन एंटलर्स तो डियर क्या कर रहा है अपने एंटलर्स को हर साल ग्रो करता है देन दे शेड देम एंड अगेन ग्रो देम द नेक्स्ट ईयर फिर इस एंटीलॉक्स में क्या है जो उनके एंटलर्स हैं ना दे आर काइंड ऑफ परमानेंट हॉन्स आर परमानेंट ठीक है इट इज़ अ लिविंग बोन जिसके अराउंड डेड बोन है डेड मटीरियल है तो वो उनका परमानेंट फीचर है और जो डियर है ना उसमें एंटलर्स मोस्टली ब्रांच्ड होते हैं जैसे आपने सुना भी होगा बारा सिंगा बारा सिंगा इज द स्वॉम डियर ना उसमें बारा सिंग होते हैं बिकॉज दे आर ऑल ब्रांच्ड तो जो डियर के एंटलर्स होते हैं ना वो ब्रांच्ड होते हैं जैसे बारा सिंह एक बहुत एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है डियर का ब्रांच है एंटीलोप्स के नहीं होते ठीक है स्ट्रेट हम देखेंगे एंटीलोप्स के एकदम स्ट्रेट होते हैं वो भी एक डिफरेंशिएटिंग फ़ीचर है और भी बहुत सारे डिफरेंशिएटिंग फ़ीचर्स है बट प्राइमारी आप इन पर फोकस कर सकते हो उसके बाद एंटीलोप्स ना आपको अफ्रीका यूरोप एशिया में मिलेंगे और डियर आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलते हैं एक्सेप्ट अंटार्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो अफ्रीका में शायद एक रेड डियर की ही स्पीशीज है बट मोर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेयर्स अब जब हम इंडिया में बात करते हैं डियर्स पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं पाथवे टू प्रलम्स आप डियर स्लीपी क्लासेस करके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी लगा दूंगी इन केस यू वांट टू हैव अ लुक एट द वीडियो ऑफ डियर्स इन डिटेल इन दिस वीडियो वी विल बी फोकसिंग मोर और लेस ऑन एंटीलोप्स तो मैं टॉक अबाउट एंटी लोब्स इंडिया में चार एंटी लोब्स मिलते हैं ब्लैक बॉक ब्लैक बर्क इसलिए फेमस है बिकॉज द फेमस एक्टर सलमान खान शॉट ब्लैक बाग्स ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ अ मूवी बैक इन द डे हम साथ, -साथ हैं राजस्थान में वो शूट कर रहे थे उन्होंने शूट किया ब्लैक बाग को एंड ये दो दो तो तरह से ये प्रॉब्लमैटिक है एक तो चलो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल वन में आता है मतलब एप्सिल्यूट प्रोटेक्शन है आपने इसको हर्ट किया मारा आपको जेल होगी हाइएस्ट ऑफ़ पेनल्टीज है अगर आप शेड्यूल वाना एनिमल्स को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाते हो तो वो तो है ही दूसरा जो ब्लैक बर्गस होते हैं ना ये बिश्नोई जो कम्युनिटी है उनके दे आर कंसिडर इंकॉर्नेशन ऑफ देयर गुरु ठीक है जम्बा जी जिनको कहा जाता है उनकी री आ, आ, री इंकारनेशन है ये उनका ही ही इज़ एक्चुअली वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक बाग्स तो वो बिशनोई कम्युनिटी के लिए काफ़ी रेवर्ड हैं ये ब्लैक बाग्स एंड वैन सलमान खान काइंड ऑफ शॉर्ट ब्लैक बाग्स बैक इन द डे तो लॉ के अगेंस्ट तो उन्होंने काम किया ही बिश्नोई कम्युनिटी वॉज ऑल्सो वेरी मच डिस्टर्बड ऑन लॉरेंस बिश्नोई बिशनोईज़ अ फेमस गैंगस्टर ऑल्सो वॉन्ट्स टू यू नो किल सलमान खान और उनकी धमकियाँ भी आती रहती हैं तो ब्लैक बाग उसके लिए फ़ेमस है ठीक है तो हमारे पास ब्लैक बाग है जिसको हम इंडियन एंटीलोप के नाम से भी जानते हैं जो इंडिया में आपको मिलता है दूसरा है चौसंगा चौसिंगा इज़ हैविंग फोर हॉर्न्स चार सिंग फोर हॉर्न्स जो कि एक ख़ास बात है क्योंकि मोस्टली जो बॉविडी फैमिली होती हैं जो बाकी एंटीलोप्स हैं उनमें दो ही होते हैं चौसिंगा में चार होते हैं तो वो आपको इंडिया में मिलता है फोर हॉन्ड एंटीलोप ठीक है इंडियन गजेल गजेल भी ना एक टाइप ऑफ एंटीलोप ही है Uh, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज भी करते हैं गजेल और आंटी में क्या फ़र्क है जैसे गजेल इज़ अ टाइप ऑफ एन एंटी तो आप इसको ये कह सकते हो कि ऑल गजेल्स आर आंटी बट ऑल आंटी आर नॉट गजेल बिकॉज गजेल्स आर जस्ट अ टाइप ऑफ एन आंटी राइट छोटे होते हैं एक स्पेसिफिक वेराइटी है एंटी की वो आपको मिलते हैं एंड फाइनली यू हैव टिबिटिन एंटी लोब विच इज़ फाउंड इन इंडिया नील गाय आपको इंडिया में मिलता है विच इज़ ऑल्सो अगेन एन आंटी तो ये कुछ आंटी हैं जो आपको इंडिया में मिलते हैं राइट सो अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लैक बर्क है बिकॉज ऑफ इट बीक कॉन्स्टेंटली इन न्यूज एंड यू नो इट इज़ द फास्टेस्ट एनिमल आफ्टर चीता जब तक चीता इंडिया के लैंड में नहीं था तब तक इट वॉज कंसिडर टू बी द फास्टेस्ट एनिमल ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है कैसे ऐसे इंडियन आंटीलॉग कहा जाता है इंडियन आंटीलॉग इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है इंडिया और नेपाल और जैसे मैंने आपको बताया जो इसके हॉर्न्स हैं दीज आर परमानेंट एंड दीज आर नॉट ब्रांच्ड लाइक द डियर्स और ये ना आपको तो ग्रासेस में मिलते हैं मोस्टली जो एंटीलोप्स हैं ना वो आपको ग्रासी प्लेन्स में ही मिलते हैं डेंस एरियाज में कम मिलते हैं बिकॉज भागने के लिए जगह चाहिए इनको तो डेंस फॉरेस्ट में नहीं मिलते लाइट ग्रासी प्लेन्स में मिलते हैं नियर वाटर सोर्सेज अब दूसरी चीज ये है कि ये स्टेट एनिमल भी है पंजाब हरियाणा और आंध्र प्रदेश तीन स्टेट्स का स्टेट एनिमल है हमारा लाग ब शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवनटी टू बिकॉज इट इज अगर आप इसको हॉर्ट करते हो तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था आप उससे भी याद कर सकते हो एंड देन आई यू सी एन स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न मोस्टली जितने भी एंटीलोब्स हैं सबका आई यू सी एन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है एक्सेप्ट चौसिंगा जिसका वनड्रबल है एंड यू हैव चिरू चिरू विच इज़ ऑल्सो नोन एस टिबिटन आंटीलोब जिसका नियर थ्रेटेंड है ठीक है बाकी जितने भी हमारे पास एंटी एंटीलोप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इन इस वीडियो में उन सबका जो आई यू सी एन स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है एक्सेप्ट टू राइट सो ब्लैक बाग अब ब्लैक बाग ना आपको डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज भी डेडिकेटेड है फॉर फॉर इंस्टेंस हमारे पास राजेस राजस्थान में आ, जो है ताल छप्पर सेंचुरी है विच इज़ सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ ग्रेट इंडियन थर्ड एजर्ट इन राजस्थान देन वेलावदार गुजरात में है, विज़ेस्तुरी है, विज़ेस्तुरी है ठीक है पॉइंट कालेमेयर में हमें मिलते हैं ब्लैक uh, बाग्स uh, उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने ब्लैक बर्ग कॉन्जर्वेशन रिज़र्व बनाया है विच इज़ द फर्स्ट कॉन्जर्वेशन रिज़र्व डेडिकेटेड टू द ब्लैक बाग सो राजस्थान में है ताल छप्पर सेंचुरी करके विलावदार गुजरात में है तो इस एरिया में आपको ज़्यादा मिलते हैं तमिलनाडु में भी पॉइंट कालेमेयियर में मिलते हैं एंड लाइक आई सेट ब्लैक बर्ग कॉन्जर्वेशन रिज़र्व फर्स्ट कॉन्जर्वेशन रिज़र्व डेडिकेटेड टू ब्लैक बाक्स इज़ इन योर यूपी तो ये कुछ आपको प्रोटेक्टेड एरियाज के नाम याद रखने हैं बट हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ब्लैक बिश्नोई कम्युनिटी सलमान खान ये कुछ चीज़ें हैं जो इनके साथ रिलेटेड हैं देन चिंकारा चिंकारा इज़ नाउ इंडियन गजैल जैसे मैंने आपको बताया गज़ल भी एक टाइप ऑफ एन एंटी लोप है तो चिंकारा को इंडियन गजेल के नाम से भी जाना जाता है सो तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एन एंटी अब इंडियन जो गज़ेल है ना वो आपको वेस्टर्न राजस्थान में मोस्टली मिलते हैं और इनको ना पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती मतलब बहुत टाइम तक ये बिना पानी के रह सकते हैं ठीक है दे कैन गेट देयर वाटर फ्रॉम द प्लांट्स फ्रॉम ईटिंग द प्लांट्स और फ्रॉम ड्यू ठीक है तो ऐसा ही नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा पेरिनियल सोर्सेज ऑफ वाटर चाहिए जैसे कि ब्लैक पॉक के केस में हमने देखा था चाहिए होते इनको नहीं चाहिए होते राइट शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड लीस्ट कंसर्न जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी हम एंटीलोप्स पढ़ेंगे सबका आई यू सी एन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है एक्सेप्ट चीरू टिबन एंटीलोपथरेटिड एंड योर फोर हॉन्ट एंटीलोप और चौसेंगा वन रिपल ठीक है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जितने भी एंटीलोप्स है शेड्यूल वन में आते हैं एक्सेप्ट शेड्यूल थ्री विच इज योर नील गाय ठीक है नील गाय आपको पता भी है उत्तराखंड में किसी टाइम पर वर्मिन भी डिक्लेयर किया गया था तो वो शेड्यूल थ्री में आता है बाकी सब शेड्यूल वन में आते हैं ब्रॉडर कैटेगरीज के अगर आप आई स्टेटस या शेड्यूल याद करेंगे तो आपको थोड़ा याद करना आसान होगा बिकॉज बहुत बड़ी लिस्ट है चीज़ों की राइट तेन फोन हॉर्न एंटीलोप सबसे बड़ी बड़ी चीज़ तो यही है कि इसके चार हॉर्न्स होते हैं कंपेयर टू द टू हॉर्न्स ऑफ द अदर एंटीलोप्स ठीक है एंटी और इस वजह से इसका जो फोर हॉर्नस कर्ल्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है जो पोचर्स होते हैं इनको मार देते हैं बिकॉज इनके चार सींग होते हैं इसी वजह से जो उसका आई स्टेटस है वनरेबल है नंबर्स काफ़ी कम है राइट एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये छोटा है जैसे नीलगा बड़ा एंटीलोप है फोर हॉन्ड एंटीलोप छोटा एंटीलोप है राइट right? चार हॉर्न्स होते हैं एंड ये भी थ्रू आउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको मिलता है ठीक है आई स्टेटस इज वनरेबल जैसे मैंने बताया बाकी एंटीलोप का डिफरेंट है और शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन ठीक है देन नील गाय अब नील गाय ब्लू काओ ब्लू बुल ठीक है ब्लूइश ग्रे कलर का होता है ये और ब्लू काओ ब्लू बक ब्लू बुल कुछ भी आप इसको कह लो ये भी आपको ना एग्रीकल्चर एरियाज में लाइटली वुडेड एरियाज़ में मिलता है डेंस फॉरेस्ट में कोई भी एंटीलोप नहीं मिलेगा आई स्टेटस लीस्ट कंसर्न ये एक लौता ऐसा एंटीलोप है जितने भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो शेड्यूल थ्री ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है अब ना इसका रीज़न ये है कि जो नील गाय है ना इसको वर्मिन डिक्लेयर किया गया था उत्तराखंड में ठीक है वर्मिन होते हैं ऐसे एनिमल्स जो प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं और ये एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है तो आप इनको मार सकते हो और कोई पेनल्टी नहीं होगी अब ना पहले जब नाइनटीन का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता था अब तो खैर दो का है अमेंडमेंट हुई है तो उस केस में ना जो शेड्यूल वन और शेड्यूल टू एनिमल्स हैं ना उनको वर्मिन नहीं डिक्लेयर किया जाता था ठीक इस ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हो इसलिए ये शेड्यूल थ्री है बाकी जितने भी एंटीलोप्स हैं वो शेड्यूल वन है देन लास्ट हमारे पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीरो चीरो पे क्वेश्चन भी आया था में प्रबिटेन एंटीलोप इसको कहते हैं ब्लैकबक इंडियन एंटीलोप चीरो मिलेगा टबिट रीजन में इंडिया में वो वाला रीजन हमें लद्दाख में मिलता है अब जो चीरू है ना चीरू क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका आई स्टेटस नियर थ्रेटेंड है जैसे मैंने आपको बताया एंटीलोप्स में हम दो का आई स्टेटस लीस्ट कंसर्न नहीं है चीरू विच इज़ योर नियर थ्रेटेंट एंड चौसिंगा विच इज योर वनडरेबल अब ये ना इट इज फेमस फॉर इट्स कोट इसका जो फर है उससे बनता है शॉल इसके ना दो फर होते हैं फर और नीचे अंडर फर अंडर फर से बनता है शॉल जिसको कहा जाता है शातूश और शातूश ना पश्मीना से भी महंगा है इसको ना सॉफ्ट गोल्ड माना जाता है इतना महंगा इट इज़ द वार्मेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट इन द वर्ल्ड इन द एनिमल वर्ल्ड इन दी वर्ल्ड ठीक है तो बहुत लोग इसको हंट करते थे और इसका अंडर फर निकाल के उससे शॉल्स बनती थी अब तो ये शेड्यूल वन एनिमल है तो ये सब कुछ बैंड है बट स्टिल हाईली रेवर्ड फर है क्योंकि उससे बनती है शातूश की शॉल तोश भी कहा जाता है सॉफ्ट गोल्ड भी कहा जाता है ठीक है और इंडिया में आपको लद्दाख में ही मिलता है सो इट इज फाउंड इन करा कौरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड चांगथंग क्या कोई मुझे बता सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज्यादा न्यूज में है लाइट पोल्यूशन से कुछ रिलेटेड है कॉमेंट्स में बताइए क्यों न्यूज में है, है. तो चीरू की बात करें चीरो ऐसा दिखता है अगेन एंडलर्स सॉरी हॉर्न्स दे आर परमानेंट एंड यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट देयर हॉर्न्स दे आर अनब्रांच्ड तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस है उसके बाद एक औरिक्स ऑरिक्स हम इसलिए डिस्कस करें क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया था अब ये जो एंटीलोप है ना ये इंडिया में नहीं मिलता ये आपको ना अरेबियन पैनन्सुला वगैरह में मिलता है इंडिया में नहीं मिलता और इट कैन ऑल्सो गो विदाउट वाटर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लाइक इंडियन गजैर विच इज़ ऑल्सो एन एंटीलोब बट हाँ ये आपको ना इंडिया में नहीं मिलता ये आपको अफ्रीका में मिलता है और अरेबियन पैनन्सुला में मिलता है हम सिर्फ इसलिए इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस पर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था दिस इज़ आ औरिक्स लुक्स इट इज़ वनडरेबल इन आई यू सी एन एस्ट ये क्वेश्चन आया था बेसिकली और चीरों पर इट इज़ अ पी वाई क्यू तो इसका आंसर जो है वो ये था कि एंटीलोप्स औरिक्स और चीरों में क्या फ़र्क है तो अगर आप देखोगे इसके जो है आंसर इसका जो आंसर है वो हमारे पास फर्स्ट ए इज़ दी आंसर सो so, क्योंकि औरिक्स भी के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है तो हमारे लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसके बारे में भी, भी पढ़ लें बट अगेन इतना कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एंटीलोप है इंडिया में नहीं मिलता अफ्रीका और अरेबियन uh, पेनसुला में ये मिलता है ठीक है और इसको भी इट इट ऑल्सो प्रेफर्स नियर डेजर्ट हॉट कंडीशन ठीक है तो ये हॉट और एरिड एरियाज में मिलता है जबकि चीरू आपको कोल्ड एरियाज में मिलता है दैट इज़ लाइक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड चीरू इज समथिंग विच इज़ हंटेड फॉर इट्स कोट है ना इट इज़ नॉट हंडेड फॉर इट्स एंडलर्स और फॉर द मस्क है ना जो मस्क डियर होता है बट ये अपने कोट के लिए अंडर फर के लिए जैसे शॉल्स बनती हैं शातूश के शॉल्स ठीक है बहुत महंगे बिनते हैं लाखों में बिकते हैं राइट तो ये था हमारा आज का फ्यू मिनट सीरीज आई होप आपको कुछ नॉलेज गेन हुई होगी इस वीडियो को देखकर अगर हुई है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए ताकि हम और ऐसी वीडियोस बनाते रहें एंड लास्टली हमारा प्रलिम्स का क्रैश कोर्स भी चल रहा है विच इज़ अ लाइव क्रैश कोर्स तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए डिटेल्स के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन